Can you hear me? We can start. Please reply on the question box. Can you hear me? Please reply. Sudden gap down, right? Expected ही नहीं था ये. करेक्ट. कल रात को ये डेटा आ गया क्रूड ऑयल का. क्रूड ऑयल का कल डेटा आया है रात. यस, और आज भी इन्वेंट्री है. आज भी इन्वेंट्री आएगा. कल मैंने जो सेल दिया था वो 8665 तक जाके आया था ना नीचे में. क्रूड ऑयल उसमें कई लोगों ने फर्स्ट टारगेट तो 8670 का फर्स्ट टारगेट था वो तो अचीव हो गया था. फर्स्ट टारगेट कितने लोगों ने ट्रेड किया था क्रूड ऑयल? फर्स्ट टारगेट उसमें अचीव हो गया था. 8670 का फर्स्ट टारगेट था. निफ्टी वाला जो बाय कॉल ट्रेड है ना वो थोड़ा सा वेट कर लो. एक मिनट है ये वाला कैंडल. अगर 15 7, वेट 1 मिनट. ये कैंडल का लो क्या है? हाँ, 15700 के नीचे एग्जिट करना है. 15700 के नीचे कैंडल क्लोज होगा तो एग्जिट है. ठीक है. और यस, क्रूड ऑयल का डेटा आया है. क्रूड ऑयल मैंने सेल दिया था कल. और वेट 1 मिनट है, थोड़ा सा वेट करते हैं. ये देखो ना, मैं डेली चार्ट देख रहा था तो डेली चार्ट के हिसाब से ये है तो सपोर्ट के आसपास ही. यहाँ पे सपोर्ट है. ये ब्रेक करेगा तो फिर और नीचे जाएगा ऐसा है. तो 6, हाँ वही 700 ही बहुत क्रूशल लेवल है. बस 15700, 15700 ही बहुत क्रूशल लेवल है और कुछ नहीं है. नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे ही दिया था ना कल क्रूड ऑयल सेल. यस और नो? व्हाट्सएप पे ही दिया था. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स आया, वो खराब आया और उसके बाद डॉलर इंडेक्स भागा और फिर बाद में ये हुआ है. अच्छा, बैंक निफ्टी का एमटीएम बता दो ना. बैंक निफ्टी में प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ होगा. बैंक निफ्टी होल्ड करना है, कुछ नहीं करना, होल्ड करना है. आएगा ये नीचे. निफ्टी भी अगर 700 ब्रेक किया तो नीचे ही है. उसके ब्रेक होने के चांसेस अभी ज्यादा है क्योंकि ऑलरेडी ये 2 3 बार टेस्ट कर चुका है तो ब्रेक होगा. वो निफ्टी भी नीचे ही लग रहा है. थोड़ा सा वेट करेंगे फिर बाद में ट्रेड लेंगे. थोड़ा सा वेट करेंगे फिर बाद में ट्रेड लेंगे. महिंद्रा सीआई ऑटो बाय है, होल्ड है. वो फेडरल बैंक चाहिए तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं. फेडरल बैंक में कोई ये नहीं है. बट निफ्टी 15700 के नीचे खराब है. 15700 के नीचे निफ्टी खराब है और ये 33000 भी ब्रेक कर सकता है ये बैंक निफ्टी. 15 मिनट का चार्ट देखते हैं ना. खराब है. डोजी कैंडल बनाया पहला कैंडल. इसमें एच डब्ल्यू कैंडल बनाया पहला कैंडल. देखते हैं, थोड़ा वेट कर लो. इसमें एच डब्ल्यू बनाया, इसमें डोजी बनाया बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी तो आज वीक लग रहा है. बैंक निफ्टी आने दो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 32500 अगर कल आता है ना मॉर्निंग में तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए. कि कल फिर हमें वही 24 25 हजार मिल सकता है जैसे लास्ट टाइम मिल रहा था. लेकिन हम लोगों ने जल्दी एग्जिट किया था तो इस बार वो मिस्टेक नहीं करेंगे. 2 3 हजार रुपये का रिस्क लेते हैं. आज रात में फिर से यूएस में फेड की स्पीच है. यस, आज रात को वापस ये फेड फेड वगैरह तो इंडिया वाले मार्केट को ही नचाते जा रहे हैं. ऐसा हो रहा है, इंडियन मार्केट को ये लोग नचाते जा रहे हैं. आज गैप डाउन का तो मतलब कोई चांस ही नहीं था. एकदम ही अनएक्सपेक्टेड है ये. जिस हिसाब से कल क्लोजिंग दिया था ना 850 के आसपास, आज तो गैप डाउन का कोई चांस ही नहीं था. एक्सपेक्टेड ही नहीं था एक्चुअली. IOCL
ये वाला स्टॉक बोल रहे हो, KIOCL, मिस्टर प्रशांत देशमुख, ये वाला स्टॉक बोल रहे हो, IOC बोल रहे हो? अच्छा, IOCL वगैरह लिखा हुआ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक सेकंड। ले सकते हैं, ले सकते हैं, मंथली चार्ट है ये। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, हाँ, लर्निंग पॉइंट समझना, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है इसका, ले सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताना क्या दिख रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है क्या मंथली चार्ट पे? लोअर लो है ये और हायर लो है ये, ट्रेंड चेंज क्लियरली दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बोनस भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? IOC का मंथली चार्ट है ये, ठीक है, लेना है ले सकते हो, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये इजीली 220 240 तक जा सकता है, ये जो पिछला आया ना ये वापस टेस्ट कर सकता है, एंट्री कर सकते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंडाल्को पे ध्यान देना है, हिंडाल्को में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, हिंडाल्को में रिट्रेसमेंट आ सकता है। आने दो ना, वहां तक भी आएगा तो भी हमें प्रॉफिट ही है ना, बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये निफ्टी वाला स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ गया है, करेक्ट, निफ्टी के हिसाब से एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ गया है, ये लो ब्रेक करना चाहिए, 670 680 का लो ब्रेक करेगा ना तो बड़ा फॉल है इसमें से। ये आज भी इसने पहला कैंडल में संभाल लिया है, 700 के नीचे सस्टेन नहीं किया है, 15 700 के नीचे ही बेरिश है, कल भी इसने 710 का लो बनाया, आज भी इसने 687 के आसपास का लो बना के वापस रिकवर किया है, 15 700 के नीचे ही बेरिश है। नहीं, मैं आपको चेंजेस बताऊंगा क्या करना है, डोंट वरी, निफ्टी की स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस करना है मैं आपको बता दूंगा, आफ्टरनून वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस करना है। सोलह हजार तक अभी अभी तो नहीं लगता है, 15 800 के ऊपर आज क्लोजिंग देना, आज वापस 15 850 के आसपास क्लोजिंग देना पड़ेगा तो जाएगा 16 हजार, क्लोजिंग वापस 15 850 के आसपास देना पड़ेगा इसको तो ही चांसेस है। ये देखो ना, एक दो बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है ये लेवल, लेकिन नहीं जा रहा है, दस बजे का कैंडल इम्पोर्टेंट है, यस, 10 बजे के कैंडल में 700 के नीचे जाना चाहिए तो एक क्लियर ट्रेंड डाउनसाइड का मिलेगा और फिर हमें प्रॉफिट आ जाएगा। सात सौ के नीचे जाना चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल में रिमूव कर देता हूँ, और पिडिलाइट रिमूव हो गया क्या, एक सेकंड, पिडिलाइट रिमूव हो गया, पिडिलाइट ऐड कर देता हूँ मैं, फेडरल बैंक रिमूव कर रहा हूँ, पेट्रोनेट रिमूव कर रहा हूँ, MRPL आज भी ऊपर है, क्या बात है, MRPL आज भी ऊपर है, कल भी ऊपर था ना MRPL, वापस 100 रुपये ऊपर, क्या बात है, MRPL तो मतलब वन साइडेड जा रहा है।
ऐसे मार्केट में भी वन साइडेड ऊपर है हमारे लिए। एक मिनट है, इसका क्या डेटा आने वाला है? नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस का इन्वेंट्री कम प्रोजेक्टेड है, ठीक है, 74 से 70 आएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, मिस्टर आंसर मेरे हिसाब से एक बार के लिए मत करो शॉर्ट वगैरह, क्योंकि आज भी अगर आप देखो ऑब्जर्व करो 15700 के नीचे सस्टेन नहीं हुआ है। ठीक है, कल क्रूड ऑयल में फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है मिस्टर दिव्य निवार, 8670 का फर्स्ट टारगेट था और 8665 का लो बनाया है इसने। कई लोगों ने रात में मुझे मैसेज किया फर्स्ट टारगेट अचीव होके फिर बाद में गया ऊपर। ये देखो ना 8665 का लो बनाया है, 8670 का फर्स्ट टारगेट था उसमें, दिख रहा है? पहला टारगेट अचीव होने के बाद गया। कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, दो तीन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है कल। फर्स्ट टारगेट का मुझे रात को मैसेज आया फिर। ये देखो आज भी ये 700 को रेस्पेक्ट कर रहा है, 700 के ऊपर ही जा रहा है। पहला एक कैंडल में 700 के नीचे पैनिक क्रिएट किया, वापस फिर ऊपर जा रहा है। वेट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट तो नहीं बनता है यहाँ पे, शॉर्ट मत करना, शॉर्ट करके फंसना मत, शॉर्ट नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना एक बार मिस्टर आंसर, शॉर्ट नहीं बनता है यहाँ पे, शॉर्ट 700 के नीचे ही बनेगा, अभी करंट प्राइस पे नहीं बनता है शॉर्ट, शॉर्ट मत कर देना। बहुत ट्रिकी लेवल पे ये अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन है आज। जाना तो इसके ऊपर चाहिए था। एक मिनट है, स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं पहले, कोई स्टॉक आ रहा है क्या रेडार पर, फटाफट चेक कर लेते हैं। शॉर्ट नहीं बनता ये लेवल पे, शॉर्ट मत कर देना, शॉर्ट करके फंसना नहीं है। ऑयल इंडिया बाय आ रहा है, ठीक है, ऑयल इंडिया है, जमुना ऑटो, जमुना ऑटो, ठीक है, ऑयल इंडिया बाय आ रहा है, ऑयल इंडिया देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, ठीक मदर सन सुमी, एयू बैंक गया, एयू बैंक 10% नीचे, क्या बात है? एयू बैंक का कुछ न्यूज आया है क्या? एयू बैंक, जुबिलेंट फूड, ये सब बहुत ज्यादा नीचे है। एयू बैंक, जुबिलेंट फूड, ये दोनों में मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ है। देखो एयू बैंक नॉर्मली इतना गिरता नहीं है, 10% नीचे, मतलब बहुत ज्यादा फॉल है। ऑयल इंडिया बाय आ रहा है, ऑयल इंडिया देखेंगे। सेवन फिफ्टी टच निफ्टी देख लो, तीन कैंडल में 50 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ये स्टॉक चलेगा, अरे ये 260 के आसपास रेजिस्टेंस है इसमें।
वेट करते हैं, थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे क्योंकि तो थोड़ा सा ट्रिकी है लेवल। ओहो, ये थोड़ा फॉल है। अंबुजा सीमेंट में, ये सॉरी जुबिलेंट फूड में भी एग्रेसिव फॉल आया, बहुत बड़ा फॉल आया जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड में भी बड़ा फॉल आया, हिंडाल्को भाग गया, हिंडाल्को चलना चालू हुआ, हिंडाल्को पे वही नजर था मेरा, हिंडाल्को निफ्टी रिकवर करेगा, हिंडाल्को रिकवर कर लेगा शायद। हिंडाल्को कल भी स्ट्रांग था, आज भी स्ट्रांग है हिंडाल्को। वेट करते हैं 720 वापस ब्रेक करने, तो या तो 710 720, तो शॉर्ट ट्रेड पे ध्यान देंगे। एक्चुअली ये लेवल ना लॉन्ग करने का है ना शॉर्ट करने का है, या तो 700 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट है, या 1500 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग है, एकदम बीच में। और यहाँ पे अगर स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड लेंगे और फिर बाद में निफ्टी ने रिवर्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो फंस सकते हैं, उससे अच्छा बेटर है वेट करेंगे। बैंक निफ्टी वीक है, बस सिर्फ बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, बिकॉज ये यू बैंक और इंडसइंड बैंक ये सब नीचे है। वापस आ रहा है, 730 के आसपास आया है वापस। आने दो, ये लेवल ब्रेक करने दो, 710 का, 705 का, 705 के आसपास का लेवल ब्रेक करेगा ना तो ये जा सकता है वापस नीचे, देखते हैं। जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा वेट कर लो, या तो 800 के ऊपर जाने दो तो फिर क्या है कि निफ्टी स्ट्रैटेजी में थोड़ा प्रॉफिट आने के चांस होंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 2-3 हजार जो भी माइनस है उसके लिए। ये देखो ना, इसलिए मैंने बोला शॉर्ट मत करो। देखो 753 वापस, 50 पॉइंट लो से 70 पॉइंट रिकवर कर लिया इसने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ये मत करो, शॉर्ट मत करो, शॉर्ट करके तो कुछ मतलब ही नहीं है। बहुत ट्रिकी लेवल पे, बीच में एकदम, तो वेट करना ही समझदारी है मेरे हिसाब से। निफ्टी रिकवर नहीं कर रहा है, एक अच्छा साइन है कि बैंक निफ्टी रिकवर करने का नाम नहीं ले रहा है। निफ्टी रिकवर हुआ है, बैंक निफ्टी नहीं हुआ है।
750 हर्डल है? नहीं, 750 हर्डल नहीं है, 1500 हर्डल है। 750 बिल्कुल भी हर्डल नहीं है, शॉट मत करना, वापस बोल रहा हूँ। हाथों को कंट्रोल करो, शॉट मत करो। 750 बिल्कुल भी हर्डल नहीं है, 1500 ही हर्डल है। 1500 क्रॉस किया तो ये 850 और ऊपर चला जाएगा वापस। ये खाली आज भाई वाले को एग्जिट कराने आया, और कुछ नहीं, इतना समझ लो। शॉर्ट मत करना एक बार के लिए, शॉर्ट 1500-1700 के नीचे ही बनेगा, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर शॉर्ट नहीं है। 1500-1700 ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट है। कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, स्टॉक्स में भी आने दो ट्रेड, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। सेवन फिफ्टी टू क्रॉस किया ही है। निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी जोर से आएगा, और मुझे ये रिवर्स लग रहा है एक्चुअली। ये यहां तक टच करके फिर गिर सकता है, देखते हैं। निफ्टी जरा सा भी गिरा तो बैंक निफ्टी जोर से गिरेगा, ये श्योर है, लेकिन निफ्टी गिरना चाहिए। निफ्टी अभी फिलहाल 770 तक तो लग रहा है, 15-20 पॉइंट और ऊपर लग रहा है। ये मूविंग एवरेज तक तो टच कर लेगा, ये 770, 770, 775 तक। स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं अभी, ये लेवल पे कोई अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है या फिर कोई बाय ट्रेड अच्छा मिल सकता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रेड में वही इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी लाइफ अभी भी गिर रहा है, टाइटन अभी भी गिर रहा है। टाइटन तो मतलब क्या हुआ है टाइटन में, पता नहीं, बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है। टाइटन आज भी बेरिश है, एचडीएफसी लाइफ आज भी बेरिश है। एचडीएफसी लाइफ आज भी बेरिश है, टाइटन आज भी बेरिश है। इंडसइंड बैंक का थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एचडीएफसी लाइफ परफेक्ट बेरिश ट्रेड लग रहा है। एचडीएफसी लाइफ शॉर्ट कर सकते हैं हम इंट्राडे के लिए। एक ही इंट्राडे ट्रेड मिला है एचडीएफसी लाइफ, बाकी कोई ट्रेड नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं। मैसेज किया, देखो मैंने एचडीएफसी लाइफ एक ही ट्रेड दिया है। इंडाल को बाय आ रहा है, लेकिन इंडाल को मुझे निफ्टी का थोड़ा ट्रस्ट कम है। 770, 780 से ऊपर निफ्टी लगता नहीं है। इसलिए मैंने इंडाल को नहीं दिया है।
सडन गैप डाउन में यही प्रॉब्लम होता है, सडन गैप डाउन होता है ना, यही प्रॉब्लम होता है। ये अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन था आज का। एयू बैंक और जा रहा है, एयू बैंक जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी जाएगा। एयू बैंक डे लो पे आ चुका है वापस। पांच सौ पॉइंट का फॉल चाहिए ना हमें बैंक निफ्टी में। क्या है मैक्स प्रॉफिट, क्या है 32,500 है या 32,800 है? 32,500 है मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल वापस रिकवर करना स्टार्ट हुआ। ये 750 के आसपास अटक गया है निफ्टी। मुझे नहीं लगता आज कोई बड़ा मोमेंट देखने मिलेगा, ठीक है। ये अटक गया है निफ्टी, या तो ये रिवर्स होके नीचे आए या ये इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा। फिर 15,800 के ऊपर बाय है, 15,700 के नीचे सेल है। ये एक सिंपल लेवल समझ लेना, 15,700 के नीचे सस्टेन होना चाहिए। जैसे आज के साथ पहला कैंडल जस्ट ये किया और फिर सस्टेन बिल्कुल भी नहीं किया, तो सस्टेन होना चाहिए 15,700 के नीचे। दस बजने दो, एक दो मिनट बाद में और स्कैनिंग करते हैं, स्टॉक स्कैनिंग और करते हैं, वेट करो। डाउ कल 1,000 पॉइंट माइनस हुआ है डे हाई से, लेकिन अपना निफ्टी डे लो से 100 पॉइंट रिकवर कर चुका है, इतना समझो। डाउ को देख के शॉर्ट मत करो, अपना निफ्टी डे लो से ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट रिकवर कर चुका है। ये 15,800 ब्रेक करेगा ना तो सब शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे। जिन लोगों ने स्टार्टिंग का 5-10 मिनट का कैंडल देख के शॉर्ट करते हैं ना, सब इंट्राडे वाले, सब ट्रैप हो जाएंगे 15,800 के ऊपर अगर गया तो। तो इससे अच्छा बेटर है वेट करो, ट्रैप नहीं होना है हमें। हमें चाहिए तो 1 घंटे बाद ट्रेड लेंगे वो चलेगा, लेकिन ट्रैप होके ट्रेड नहीं लेना है। एक ही है यू बैंक है जो नीचे लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को। और एयू बैंक अभी 8% माइनस है, 15% डाउन हो जाएगा ना तो बैंक निफ्टी आ जाएगा 33,000 तक। एयू बैंक और बंधन बैंक दोनों का स्ट्रक्चर काफी बिगड़ चुका है एक्चुअली। अभी तक तो कोई चांस लग नहीं रहा है, 750 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। और बैंक निफ्टी तो कंप्लीटली रेंज बाउंड है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, बैंक निफ्टी कंप्लीटली एक रेंज में, गैप डाउन खुला है लेकिन रेंज में। निफ्टी 750 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस यहाँ पर है, थोड़ा सा वेट कर लो, प्रॉपर ट्रेड मिल सकता है।
वेट करके ट्रेड लेंगे, फंसना नहीं है। एक और बार स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, कोई नया स्टॉक आया है कैनेडा। बाइंग में कोई आया है क्या? बाइंग में एमआरपीएल, जमुना ऑटो, यही है, ऑयल इंडिया, यही है, ठीक है। और कोई स्टॉक नहीं है ना, कोई बड़ा स्टॉक नहीं, कोई बड़ा स्टॉक नहीं, ठीक है। और इंडिया सीमेंट 160, ठीक है। और यहाँ पे सेल में कोई आया है क्या? सेल में भी देख लेते हैं। सेल में पीएसयू बैंक शॉर्ट है आज, एयू बैंक शॉर्ट है, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक शॉर्ट है, कोटक बैंक शॉर्ट है, कोटक भी लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को नीचे। जुबिलेंट फूड शॉर्ट है, ठीक है। मदरसन सुमी एक सेल आया है, मदरसन सुमी देख लेते हैं हम लोग। ये देखो आया, ये 770 तक निफ्टी, देखो आया 770 तक, दिख रहा है? देखो ये मूविंग एवरेज तक आया। अभी ये मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेकर फॉल होगा तो अच्छी बात है, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। अगर ये ब्रेक किया, 15800 ब्रेक किया, तो समझ लेना बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रैप होंगे फिर, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रैप होंगे फिर। अगर ये 15800 ब्रेक करता है, मदरसन सुमी, ये रहा मदरसन सुमी, ये एक सेल ट्रेड आया है, देखते हैं। बट शॉर्ट ट्रेड है, बट निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऐसा है, शॉर्ट ट्रेड मिला बट निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रेड लेने में भी डर लगता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। कॉन्ट्रा ट्रेड ज्यादा मिल रहा है, शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऐसा है, बाइंग वाले का सेटअप प्रॉपर नहीं है। बस ये यहाँ से ही नीचे जा सकता है निफ्टी, बस इसी लेवल से नीचे जा सकता है। अगर जाना है ना इसको, जो लेवल एक्सपेक्टेड था उतना आ गया है, अब इसी लेवल से नीचे जाना चाहिए। गिरेगा तो ये इसी लेवल के आसपास से गिरेगा, अदरवाइज ये नहीं गिरेगा सर। बैंक निफ्टी तो रेंज बाउंड लग रहा है, साइडवेज लग रहा। फुल प्रीमियम मीटिंग चालू है बैंक निफ्टी में, देख लो ना, मैंने आपको पहले ही बोला साइडवेज है। पहला कैंडल डोजी कैंडल है, मतलब आज मूवमेंट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा बैंक निफ्टी में, जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता। लो ब्रेक करेगा तो जाएगा और नीचे, निफ्टी इसी लेवल से गिरना चाहिए। अगर ये निफ्टी ये पैटर्न बनाता है ना, मूविंग एवरेज टच किया एंड देन फॉल, ये जो लो है ना वापस ब्रेक करता है ना, तो फिर ये आ जाएगा 600 तक आ जाएगा इजीली, 600 550 तक भी आ सकता है, ऐसा है। तो या तो ये निफ्टी गिरना स्टार्ट करने दो तो बैंक निफ्टी गिरेगा, बहुत ट्रिकी लेवल पे है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं है निफ्टी और यहाँ पे लॉन्ग तो है नहीं, लॉन्ग 15800 के ऊपर ही है। एक ही ट्रेड दिया है मैंने, ये
एचडीएफसी लाइफ बस, और कोई ट्रेड नहीं दिया है। चाहिए तो 12 साढ़े 12 बजे ट्रेड लेंगे, वो चलेगा, लेकिन क्लियर व्यू होने दो, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। बोल रहे ये महिंद्रा सीआई ऑटो, ये सब मिड कैप काउंटर है, इनको इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता निफ्टी से, ठीक है? तो ये तो होल्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तेल एक बार रिमूव कर देता हूँ, कुछ मतलब नहीं। हिंडाल्को वापस नीचे जाना चालू हो रहा है। सकता है अभी निफ्टी नीचे आना चाहिए, क्योंकि मेटल्स फॉल होना स्टार्ट हो रहा है। मेटल्स फॉल होगा तो निफ्टी नीचे आ सकता है। देख लेते हैं एक बार, कोई मेटल काउंटर या कोई आईटी सेक्टर में सेलिंग चालू हुआ है क्या, एक बार वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे वीक सेक्टर वही है, आईटी और मेटल्स। अल्ट्राटेक सीमेंट में ब्रेकआउट आया, ओहो क्या बात है। एक मिनट है, ये बाय आया है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का मैंने मैसेज दिया, ये ब्रेकआउट आया, ये ले सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें ब्रेकआउट आया, ये देखो, ये अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट है, ये चलेगा। 5,800 तक तो मिनिमम लग रहा है, 100 से 150 रुपए का रैली मिनिमम लग रहा है अल्ट्राटेक में। अभी थोड़ा मूविंग एवरेज पर एक्शंस लिया है निफ्टी, देखो एग्जैक्टली इसी मूविंग एवरेज पर एक्शंस लिया है। यूएसडीआईएनआर कल 79 तक चला गया था, यूएसडीआईएनआर अभी क्या है, चलो देखते हैं काम करते हैं अभी कितना है। 78.95 है तो उतना ही है ना, 79 तक गया था ये तो जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लग रहा है इसका ये चला जाएगा, ये और ऊपर जाएगा। ये स्ट्रक्चर देखो ना इसका, बहुत पॉजिटिव है ये, 84-85 तक भी जा सकता है, 84-85 तक यूएसडीआरएनआर जा सकता है। एटी फोर एटी फाइव ये पॉसिबल टारगेट है यूएसडीआरएनआर में। उतना लग रहा है, उतना जा सकता है। बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव है वो, रात को कुछ क्रूड ऑयल में ट्रेड लेंगे, रात को 8 बजे के आसपास लेंगे। अभी एक्चुअली ये वीक का इन्वेंट्री आ जाएगा, तो क्रूड ऑयल में ट्रेड लेंगे हम लोग आज। 24 जून क्यों डेट दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 29 जून डेट दिखाना चाहिए, 24 जून क्यों डेट दिखा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। 17 जून दिखा रहा है यहाँ पे, 24 जून दिखाना चाहिए, 29 जून दिखाना चाहिए, 24 जून का डेट दिखा रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, लेट इट क्लियरली गिव अ डायरेक्शन।
डायरेक्शन देने दो, उसके बाद में हम लोग ट्रेड लेंगे। कॉल मैंने होल्ड किया हुआ है, 15,900 का कॉल ना होल्ड किया हुआ है मैंने अभी तक, ये 15,700 के नीचे गया ही नहीं है, मैंने होल्ड किया हुआ है। दो लॉट है मेरे पास, वो होल्ड किया हुआ है मैंने। ये 15,800 ब्रेक करेगा ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि आज गैप डाउन में कई लोगों ने शॉर्ट किया होगा, 5 मिनट का 15 मिनट का कैंडल देख देख के। पंद्रह 800 के ऊपर मेजर शॉर्ट कवरिंग चालू होगा, ये समझ लेना, मेजर शॉर्ट कवरिंग है 15,800 के ऊपर। फिर ये कल का हाई भी ब्रेक कर सकता है, अगर 15,800 क्रॉस किया ना, तो कल का हाई कितना था, 890 के आसपास था ना, ये भी ब्रेक कर सकता है। कल का हाई भी निकाल देगा ये 15,800 के ऊपर। देखो ना, ये शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, देखो वेट करते हैं, 12 12:30 के बाद ही ट्रेड लेंगे, वो ज्यादा बेटर है, डायरेक्शन मेरे हिसाब से तभी क्लियर होगा। अभी कुछ और ट्रेड नहीं ले रहे, दो ट्रेड लिया हुआ इंट्राडे, सॉरी ये एक तो स्विंग है और एक इंट्राडे। ठीक है, 2:30 बजे मिलेंगे वेबिनार में, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, खाली निफ्टी का थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, और बैंक निफ्टी का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है क्योंकि ये बीच में, ठीक है, तो वो देख के थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन 2:30 बजे क्या लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कोई भी बीच में ट्रेड मिलता है मैं व्हाट्सएप आपको कर दूंगा। तो 2:30 बजे मिलेंगे आफ्टरनून वेबिनार में। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।